चिड़ियों के घोंसले से लेकर जिंदा बंदरों का दिमाग या फिर हजार साल पुराना अंडा, ये सब चीज आपको क्या लगता है? ये सब हम इंसानों के लिए भले ही बहुत ऑकवर्ड हो, लेकिन चाइना के लिए नहीं। वैसे चाइना के फूड का मेनू काफी लंबा है, लेकिन इन सब में से हमने चुना है कुछ अजीबोगरीब खाना, जिसे खाने की हिम्मत सिर्फ चाइना में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं। 138 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग हर छोटा बड़ा जानवर, जी हाँ, हर तरह का जानवर इनके मुंह का निवाला बन चुका है। इनफैक्ट चाइना के लोगों के लिए वो हर चीज खाने लायक है जो चल रहा है, उड़ रहा है या फिर तैर रहा है। तो आइए देखते हैं असली चाइनीज फूड। चाइनीज फूड में सबसे पहले है स्टिंकी टोफू। स्टिंकी वर्ड का मतलब है बदबूदार। तो क्या ये सच में इतना बदबूदार डिश है? टोफू सोया दूध से बना एक प्रोडक्ट है जो बिल्कुल पनीर की तरह दिखता है। बस फर्क ये है कि जो लोग डाइटिंग पर है वो पनीर की बजाय टोफू खाना पसंद करते हैं, क्योंकि टोफू में पनीर के मुकाबले काफी कम कैलोरीज होती है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इतने हेल्दी फूड को एक बदबूदार डिश में कैसे कन्वर्ट कर सकता है? स्टिंकी टोफू को स्टिंकी बनाता है उसकी रेसिपीज में यूज होने वाली ब्राइन्स, यानी नमक वाला पानी। इस ब्राइन में फिश या फिर श्रिम्प्स को कई हफ्तों या महीनों तक रखा जाता है। जितना पुराना ब्राइन उतना ही स्टिंकी टोफू। जब ये टोफू बन जाता है तो इसकी स्मेल इतनी ज्यादा बदबूदार होती है कि शायद आपको आपके हफ्तों पुराने मोजे भी इससे कम बदबूदार लगने लगे। स्टिंकी टोफू हांगकांग, चाइना और ताइवान के सबसे फेमस स्नैक्स में से एक है। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अंडा जो हजार साल पुराना है। जी हाँ, एक तरफ हम है जो अंडों को 10 मिनट से ज्यादा बॉयल नहीं करते, और दूसरी तरफ चाइना जो अंडों को हफ्तों तक गैस पर बॉयल करने के लिए छोड़ देता है। कहा जाता है कि करीब 600 साल पहले चाइना के ह्यूनान प्रोविनेंस में रहने वाले एक आदमी को स्लेक्ड लाइम यानी कि कॉस्टिक चूने के नीचे दफन कुछ बतख के अंडे मिले जो शायद हजार साल से दफन थे। उस आदमी ने जब उन अंडों को टेस्ट किया तो उसे वो इतना अच्छा लगा कि उसने अलग से कुछ अंडों को उसी तरीके से दफना दिया। यूं तो इन्हें सेंचुरी एग्स या मिलेनियम एग्स कहा जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि अंडों को बॉयल करने की प्रोसेस कुछ हफ्ते से लेकर 5 महीने तक चलता है। इस प्रोसेस को खत्म होते होते एग योक में एक तरह का क्रीमी एंड चीज ग्रीन और दूसरी तरफ व्हाइट पार्ट में डार्क कलर की जेली जैसा टेक्सचर आ जाता है। इस तरह के अंडों में डक के अलावा चिकन के अंडे भी शामिल है। कहने को तो इस तरह के अंडे को कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन चाइना वालों का मानना है कि अंडा काफी टेस्टी होता है। हमारी अगली डिश का नाम है बेलूट, जो कि फिलीपींस का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, पर आज के समय ये एशिया के अलग अलग देशों में खाया जाता है, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो क्या है ये बेलूट? मैं ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा कि ये एक अंडे से बनी डिश है। अब ये मत बोलने लग जाना कि फिर से अंडे की ही बात कर रहे हो, क्योंकि इस खाने को बनाने के लिए अंडे को महीनों तक बॉयल करने की जरूरत नहीं है, यूं ही कुछ 20 से 30 मिनट, जिसके बाद हमें मिलता है एक फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रायो। जी हाँ, एक प्रीमैच्योर डक एग, जिसे सीधा शेल के अंदर ही खाया जाता है, जिससे अंडे के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी होकर चिक्स के बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। शायद इसीलिए बेलूट को फर्टिलाइज एग भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर इसे खाते समय चिक्स के बोन्स और मसल्स भी खाने का हिस्सा बन जाता है। अंडों को लेकर तो बहुत सी बातें हो गई, अब सीधा सूप पे आते हैं। खाने में भले ही चाइनीज किसी भी जानवर को पसंद करे, लेकिन जब बात सूप पे आती है तो चाइना में मिलता है एक अजीबोगरीब सूप जो बनता है चिड़िया के घोंसले से। बिल्कुल सही सुना आपने, बर्डनेस्ट सूप एक छोटे से चाइनीज बर्ड स्विफ्टलेट के घोंसले से बनाया जाता है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए अपने मुँह से सलाइवा निकालता है जो हवा के कॉन्टेक्ट में आते ही सख्त हो जाता है। किसी चलती फिरती चीज में हेल्थ बेनिफिट्स ढूंढना तो चाइनीज लोगों के लिए आम बात है, लेकिन पता नहीं किसी चिड़िया के घोंसले में इन्हें क्या दिख गया कि आज ये चाइना के सड़कों पर बिकने वाला सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगला डिश कौन सा होगा, तो दोस्तों आपको बता दूं, आप जिस ऑर्गन का इस्तेमाल करके अभी सोच रहे हैं वही है अगला खाना, यानी कि दिमाग। लेकिन चाइनीज लोगों के लिए ब्रेन का टेस्ट थोड़ा हटके होता है। यहाँ पर जो दिमाग खाया जाता है वो इंसान का नहीं बल्कि बंदरों का होता है। मंकी ब्रेन चाइना का सबसे मशहूर डिश है, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। मंकी ब्रेन को सर्व करने का अंदाज भी अनोखा होता है। वेटर एक टेबल के नीचे एक बंदर को जिंदा रखता है, जिसका सर उस छेद से बाहर पॉप आउट हो रहा होता है। इसके बाद बंदर के दिमाग को जिंदा ही खाया जाता है। उस समय बंदर को कितनी तकलीफ हो रही होती है ऐसा तो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी अमीरी दिखाने के लिए इतनी क्रूरता तो शायद सिर्फ चाइना ही कर सकता है। कभी कभी तो लगता है चाइना के पापों की सजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। सूप तो छोटे से लेकर बुजुर्ग हर कोई खाता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चाइनीज खाना बिल्कुल ही हटके होता है।
और इसीलिए ये सूप्स कोई कॉर्न सूप नहीं बल्कि सांपों के सूप्स होते हैं, जिसे चाइनीज में यांग कहा जाता है, जिसमें 5 अलग अलग टाइप्स के सांपों के मीट्स होते हैं और उसी के साथ पिग बोन्स, चिकन और मसालों को मिलाकर एक थिक और टेस्टी सूप बनता है, जिसे सर्दियों के दौरान हांगकांग में स्पेशली खाया जाता है। चाइना में स्नेक सूप को सर्व करने वाले रेस्टोरेंट को सीवांग कहा जाता है, जिसका मतलब है स्नेक किंग। तो इन सब चाइनीज खाने में से आपको कौन सा खाना सबसे अनोखा और घिनौना लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।